बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1500 किलोमीटर चलाया इसको, दो दिन में मोटरवेज़ पे, M2, M4, M5 पे। मैं इस गाड़ी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं वैसे एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पावर गाड़ी की ठीक है, एक्सेलरेट काफ़ी अच्छी होती है, साउंड गाड़ी के अंदर 140 इतने पे चला रहे हो आता है, काफ़ी मतलब एक अच्छा साउंड अंदर आता है। हालांकि इस पे 215 का टायर लगा हुआ था। मैं इसको वैसे किसी गाड़ी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर आप मेरी नॉर्मल वीडियोस 1.2 CVT से कंपेयर करेंगे तो सिवाय फ्यूल इकोनॉमी के ये गाड़ी उससे तमाम एक्सपर्ट्स में बेहतर है। लॉन्ग पे जो बड़ा इंजन है वो वैसे भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है छोटे इंजन से, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक्सेलरेशन वाइज, स्पीड वाइज, जो रोड ग्रिप वगैरह है, और इसको जब मैंने ऑफ रोड भी ड्राइव किया है मोटरवे से हट के भी, सस्पेंशन करोला की वैसे जो टोयोटा की अच्छी होती है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक मतलब जो इसकी RPMs है वो सरप्राइजिंगली थोड़े से ऊपर रहते हैं। मैंने 1.2 CVT के ट्राई किए हैं, अभी भी आप देखें मैं इसको 120 से 140 पे लेके जाता हूँ तो 3 से ऊपर चला जाता है। हालाँकि 1.6 इंजन है, ECT है, लेकिन ट्रांसमिशन इतनी कोई जर्क वाली नहीं है, एक अच्छी ट्रांसमिशन है, को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता कि गियर्स में जर्क लग रहे हैं, एक अच्छी ट्रांसमिशन है ECT की, मेरे ख्याल में सुपर ECT है इसमें। ओवरऑल अगर आपकी फुली लोडेड गाड़ी है, बैगेज भी है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको मोटरवे पे चलाने का। इसके जो आप स्पीडोमीटर पे देखेंगे जो इसके RPMs हैं, अब मैं अगर इसको 120 से ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 3+ रहते हैं और ये कांस्टेंट है, और अभी मैं इसको 120 पे रखता हूँ तो ये तकरीबन 3 से थोड़ा सा अंडर 2900 पे रहता है, ये वाला इसका जो RPM है। और अगर मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ, अभी मैं इसको 120 पे रखा हूँ, इसको मैं 140 पे लेके जा रहा हूँ तो ये 3 से होता हुआ थोड़ा सा ऊपर जाता है और 140 पे मेंटेन हो जाता है तकरीबन 3300 RPM के ऊपर। और इसको मतलब ये कि नॉर्मल एक्सेलरेशन पे है ये, आप इसको आसानी से 160-180 आप थोड़े से और पुश से आप लेके जा सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी इसकी आप दे सकते हैं कि स्पीड पे तकरीबन 12-12.5 की देती है, जो कि ठीक है लोडेड गाड़ी के साथ स्पीड पे अगर आप इसको मोटरवे पे चलाते हैं। ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा एक्सपीरियंस है।